हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSS ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ रीना चौरसिया, योर कंप्यूटर टीचर। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट वायरस, स्पाईवेयर एंड वर्म्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइज द वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर एंड क्लीन्स देम अप। An effective antivirus should be able to remove antiviruses as well as spywares and worms from the computer. Many antivirus programs like Norton Antivirus, McAfee, PC Silent, Kaspersky are available in the market. आपने वायरस, स्पाईवेयर और वर्म्स के बारे में पढ़ा है, अब आपको पढ़ना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर मींस कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। एंटीवायरस क्या करेगा? एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में जितने भी वायरसेस होंगे उनको क्लीन कर देगा। ओके, एक इफेक्टिव एंटीवायरस में वायरस को रिमूव करने के साथ साथ स्पाईवेयर और वर्म्स को भी रिमूव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। मींस कि एक अच्छा इफेक्टिव एंटीवायरस वो है जो वायरस के साथ साथ स्पाईवेयर और वर्म्स को भी रिमूव करे। कई सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी, PC सिलीन और कैस्परस्की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग द नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम। Norton Antivirus software is one of the best antivirus software available. Activity 3 to use Norton Antivirus program. Here is an antivirus program which is Norton Antivirus program. इस antivirus program को कैसे हम इस antivirus program से कैसे हम virus को remove करेंगे वो हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे। कैसे हम यूज़ करेंगे नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम का। नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में से एक है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन द नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग द सीक्वेंस स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स नॉर्टन एंटीवायरस नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। फिर उसके बाद आपको नॉर्टन एंटीवायरस दिखेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नॉर्टन एंटीवायरस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद सेकंड स्टेप इज़ द नॉर्टन एंटीवायरस विंडो विल अपीयर। नॉर्टन एंटीवायरस विंडो अपीयर हो जाएगा। दिस इज नॉर्टन एंटीवायरस विंडो, नॉर्टन एंटीवायरस। थर्ड स्टेप इज़ क्लिक ऑन द स्कैन नाउ ऑप्शन। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन स्कैन नाउ ऑप्शन। हियर इज स्कैन नाउ ऑप्शन। ओके, फोर्थ स्टेप इज फ्रॉम द मेनू क्लिक ऑन रन कस्टम स्कैन ऑप्शन। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन कस्टम स्कैन ऑप्शन। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन स्कैन ड्राइव्स ऑप्शन। इसके बाद आपको स्कैन ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ द स्कैन ड्राइव्स डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट द ड्राइव्स टू स्कैन। अब इसके बाद स्कैन ड्राइव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिस इज स्कैन ड्राइव डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कई सारे ड्राइव्स दिख रहे हैं। इस ड्राइव में से आपको जिस भी ड्राइव को स्कैन करना है उस ड्राइव पर आपको क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन। The selected drives will be scanned for any possible viruses. और उसके बाद आपको scan option पर क्लिक कर देना है। scan option पर क्लिक करते ही Norton Antivirus software आपके कंप्यूटर में जितने भी viruses scan हो सकते हैं उनको scan करेगा और remove कर देगा। Okay? Quick quiz. Name any three antivirus programs. आपको any three antivirus प्रोग्राम का नेम बताना है। ओके, रिमेंबर यू कैन आल्सो राइट क्लिक ऑन द ड्राइव फाइल विच यू वांट टू स्कैन एंड सेलेक्ट द स्कैन विथ नॉर्टन एंटीवायरस ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू।
या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको जिस भी ड्राइव या जिस भी फाइल को स्कैन करना है, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करने के बाद जो शॉर्टकट मेनू आएगी, उस शॉर्टकट मेनू में से आपको ओपन स्कैन विथ नॉर्टन एंटीवायरस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करते ही वो ड्राइव, वो फाइल आपकी स्कैन हो जाएगी। आई बात समझ में? क्या करना है, जिस भी फाइल या जिस भी ड्राइव को आप स्कैन करना चाहते हैं, उस ड्राइव या उस फाइल पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेनू ओपन होगी, उस शॉर्टकट मेनू में से आपको स्कैन विथ नॉर्टन एंटीवायरस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो ड्राइव फाइल आपकी स्कैन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग फॉर फाइल्स। इट इज़ नॉट अनकॉमन डैट यू विल फॉरगेट इन विच ड्राइव एंड फोल्डर यू हैव सेव्ड योर फाइल्स, बट यूजिंग द सर्च ऑप्शन इन विंडोज 7 यू कैन सर्च फॉर योर फाइल्स। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू सर्च अ फाइल हुज नेम यू रिमेंबर बट हैव फॉरगेटन इन विच ड्राइव और फोल्डर यू हैव सेव्ड इट। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी फाइल का नेम तो याद है, लेकिन आपने उस फाइल को किस ड्राइव या किस फोल्डर में सेव किया ये आप भूल जाते हैं। ये कोई अनकॉमन बात नहीं है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, फाइल का नेम तो याद रहता है लेकिन उस फाइल को हमने किस ड्राइव और किस फोल्डर में सेव किया है ये हम भूल जाते हैं। तो विंडोज़ 7 में सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन की हेल्प से हम अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं, जिस फाइल का नाम तो हमें याद है लेकिन हम ये भूल गए हैं कि उस फाइल को हमने किस ड्राइव या फोल्डर में सेव किया है। ओके, एक्टिविटी 4 टू सर्च फॉर अ फाइल फोल्डर। हियर आर सम स्टेप्स, वी हैव टू सिंपली फॉलो दीज स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इन द सर्च बॉक्स, स्टार्ट टाइपिंग द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर हियर सभ्यता विच यू वॉन्ट टू सर्च फॉर। सपोज आपका नेम सभ्यता है और आपने सभ्यता नेम से एक फोल्डर बनाया है। ओके, और अब आप भूल गए हैं कि उस फाइल को या उस फोल्डर को आपने किस ड्राइव में स्टोर किया था, किस ड्राइव में सेव किया था। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में आपको उस फाइल या फोल्डर का नेम टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करते हैं यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। इन सर्च रिजल्ट्स में से अगर आपको दिख गया अपना फाइल, तो जैसे ये आपका फाइल दिख गया, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा या फिर आप उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और रिक्वायर्ड एक्शन चुन सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेप इज इफ यू डू नॉट सी द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर क्लिक सी मोर रिजल्ट्स टू ओपन अ विंडो कंटेनिंग ऑल द सर्च रिजल्ट्स। अगर आप सर्च रिजल्ट में जिस फाइल को आप सर्च कर रहे हैं, जिस फोल्डर को आप सर्च कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सी मोर रिजल्ट्स पर क्लिक करना है। सी मोर रिजल्ट्स पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो में आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड सारे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। रिमेंबर इफ देयर आर टू मेनी रिजल्ट्स टाइप मोर ऑफ द नेम टू नैरो द सर्च आर इंक्लूड द फाइल एक्सटेंशन टू इट। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को सर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस फाइल फोल्डर का नेम और ज़्यादा टाइप करना है। मीन्स कि अगर सभ्यता नाम की एक फाइल है, आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो आपने ऐसे बी लिखा तो ढेर सारे सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसमें से ढूंढना मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे, टाइप मोर ऑफ द नेम टू नैरो द सर्च। ओके, मीन्स ऐसे बी एच वाई ए टी ए, समझ आ गई बात।
या फिर आप फाइल एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से उस फाइल फोल्डर को फाइंड कर सकें। तो आई बात समझ में, क्या करना है?